क्यों उपस्थित हुए यहाँ पे आप? मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमित कर्नल। ये प्रमोद कोल की हत्या जो है तो लालगांव थाना अंतर्गत ये रीवा जिला में कर दी जाती है। ये चौकी है लालगांव, और आपका ये डॉक्टर और पुलिस दोनों लोग मिलकर जो है तो पोस्टमार्टम में भी उसको एक्सीडेंट साबित कर दी, जबकि वीडियो फुटेज में भी साफ साफ दिख रहा है कि वो जो है तो हत्या है और उसको लेकर जा रहे हैं लोग पकड़ कर। तो निवेदन ये है शासन प्रशासन के लोगों से कि जितना पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हुआ है इनको आप लोग सुधारने का काम करें। अन्याय अत्याचार, जितने गरीबों के साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, आज जो इतना चल रहा है इस भाजपा सरकार में, ये पुलिस की अनदेखी और कानून व्यवस्था में जो बड़े अधिकारी हैं उनके नज़रअंदाजगी से। अगर ये कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहता तो जो नज़दीकी थाने हैं, चौकी हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन को तत्काल जो है कड़ा निर्देश दें कि जब भी कोई पीड़ित पक्षकार आए उसका निस्वार्थ भावना से जो है तो पक्ष सुना जाए और उसमें न्याय किया जाए। लेकिन ये जो चुटपुटिया जो थाना प्रभारी बने रहते हैं छोटे छोटे चौकियों में, और ये जो मानो उनके माध्यम से जो दलाली का काम होता है पैसे लेकर और हत्या का मामला भी दबाने का काम करते हैं, आज प्रमोद कोल की हत्या कर दी गई, उनके परिवार ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका इनका जो है तो कौन भरण पोषण करे? आज जो है तो आरोपी तो खुलेआम घूम रहे हैं, वो दबंग आज भी जो है तो परिवार को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने जो है तो कहीं शिकायत की, एसपी आईजी कहीं भी गए तो हम तुम्हारे परिवार को भी जान से मार देंगे। अभी हमने प्रमोद कोल को मारा तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम क्या कर लोगे? और इस तरह की ये दबंगई भरे जो है तो ये लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे मंत्री विधायक हैं, हम सब ये कर लेंगे। अब बताइए कि सब जब इनको हत्या करने का क्या लाइसेंस मिल गया है, क्या सरकार बनाने से? हमारा सवाल ये है कि इन गरीबों को जो है तो न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी रोड में उतरेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा।